अब यह हुकूमत जो कि मुकदमा दर्ज हुकूमत करती है, अगर वो इस तरह के मुकदमे दर्ज करेगी कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा क्यों किया, तो इसलिए उन पर टेरर का मुकदमा चलना चाहिए, यह दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी क्यों की, इसलिए उन पर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, तो उन मुकदमों को तो आवाम तस्लीम नहीं करेगी। देखिए जी, हमें इस मुल्क की जुडिशरी से बहुत उम्मीद है और हम समझते हैं कि जुडिशरी का किरदार जो है, जुडिशरी खुद भी बड़ी मजबूत है और पूरी की पूरी जो लॉयर कम्युनिटी है वो जुडिशरी के साथ खड़ी है और हमें जुडिशरी से इंसाफ की पूरी तवक्को है। इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, मेरा ख्याल पाकिस्तान का पीटीआई का हर कारकुन जो है वो इस कोशिश में होगा कि पहले जेल पहुंचता है, सबसे पहले जेल कौन पहुंचता है, ये लोगों को अंदाज़ा नहीं है जो आवाम की इस वक्त हालत है और जो बेरोज़गारी है और जो महंगाई है और जो आवाम है उसने दो वक्त की रोटी को एक वक्त का रोटी कर दिया है। लोगों को नहीं खबर कि बाहर क्या सूरत हाल है, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आवाम जेलों की तरफ लपकती है।